दो सरकार ने राशन भेजा इधर दुकान पर, लेकिन वो राशन पब्लिक को मिलने से रहा। जाओ तो टोकन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, और लास्ट में मिलता नहीं। लेकिन जब से ये भवा फैली तो कुछ मतलब मीडिया वालों का मतलब बोलिए या कुछ ही का ही बोलिए, जब मुसलमान को खास तौर पर बदनाम किया गया है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, पटरी पार वाले पानी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब मतलब कि आप लोग के यहाँ बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो आप लोग मत आइए पानी के लिए। ज्यादा और हम इस वक्त मौजूद है कलवा के भास्कर नगर में। जिस तरह से देखा जा रहा है कि लॉकडाउन ने जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी रोजी रोटी बिल्कुल तरह से बंद कर दी है पूरी तरह से, और जो खास तौर से जो पिछड़े हुए इलाके हैं कलवा के, मुमरा के, थाना के, देखा जा रहा है कि वहां पर खाने की बड़ी परेशानी है। और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कई पार्टियों की तरफ से कि हम खाना पहुंचा रहे हैं, ये कॉरपोरेटर्स की तरफ से, एमएलए की तरफ से, लेकिन वो कहीं भी जमीनी सतह उसकी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अब भी लोगों को शिकायत है कि उन तक मदद नहीं पहुंच रही है। और जिस तरह से लॉकडाउन में बाहर निकलो तो पुलिस डंडे चलाती है, लॉकडाउन का पालन करना बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं हम, लेकिन जिस तरह से गरीब लोगों को परेशानी है खाने पीने की खास तौर से, तो इसलिए हम यहाँ भास्कर नगर में आए हैं, जहाँ पे लोगों की शिकायत है कि यहाँ के कारपोरेटर्स भी अब तक नहीं पहुँचे हैं यहाँ पर। एक तो यहाँ पर गंदगी, और ऊपर से जो यहाँ पर परेशानी है लॉकडाउन की वजह से। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका, क्या मेरा नाम सही मोहम्मद खान है। मसला है आपको यहाँ पर? मसला यहाँ पर ऐसा है कि ये जो हमारा जो एरिया है वो पिछड़ा एरिया, पिछड़ा हुआ एरिया है। ये जो लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर लोगों को बराबर राशन नहीं मिल रहा है, पानी की तकलीफ हो गई है। बगल में एक वाघोबा नगर को बोल के ऐसा एक एरिया है, वहाँ पर लोग पानी भरने के लिए आते, तो लोग बोलते हैं नहीं, भास्कर नगर वाले लोग को भगा पानी मत दो। कार्पोरेटर से शिकायत की आपने? और हमारे जो आमदार है कोशिश कर रहे पानी की, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग को पानी मिल रहा है। और यहाँ पर आमदार साहब खाना भेज रहे थे, लेकिन वो बीमार हो गए, उसके बाद में यहाँ पर गरीबों का हाल ज्यादा ही हो गया कुछ। अब कुछ संस्थाओं ने इधर लाके लोगों को खाना वाना देना शुरू किया है, और कुछ लोगों ने राशन दिया था थोड़ा बहुत, तो कुछ राहत, एक पैसा राहत तो हो गई है, लेकिन लोग इतने परेशान है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता है। और यहाँ पे जो कुछ दुकानदार लोग हैं तो उन लोगों ने तो 1 रुपए का सामान डायरेक्ट 5 रुपया डायरेक्ट। कितने कितने घर होंगे यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे अभी लगभग लगभग कम से कम 2 से 3 हजार तो झोपड़े हैं इधर, मिनिमम कम से कम बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर लोगों की समस्या बड़ी ऐसी समस्या है कि सरकार ने राशन भेजा है दुकान पर, लेकिन वो दुकान वाले बोलते हैं भाई तुम्हारे लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, इसके लिए नहीं है, ऐसा बोलकर लोगों को परेशान करते हैं। उनका नियोजन बराबर नहीं है, इस वजह से पब्लिक और ज्यादा परेशान है। सरकार ने राशन भेजा इधर दुकान पर, लेकिन वो राशन पब्लिक को मिलने से रहा। जाओ तो टोकन लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, और लास्ट में मिलता नहीं है। तो कितने दिन से चल रहा है यहाँ पे राशन? 16 तारीख से बंटना शुरू हुआ, तो उसके बाद से आप लोगों को कितने मिला किसी को यहाँ पर बताइए? राशन दुकान पे तो मिला है, दुकान पे आया लेकिन आप लेकिन लोगों तक पहुँचा? कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं मिला है। और बहुत से लोगों का तो प्रॉब्लम है कि बोलते राशन कार्ड तुम्हारा एक्टिव ही नहीं है, तो जिनका एक्टिव नहीं है उनको दे ही नहीं रहे, भगा देते डायरेक्ट लाइन से, और रात को लाइन लगाते, सुबह तक लाइन दिन भर खड़े रहते हैं, तो भी राशन मिलता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और मिलता तो ओनली चावल है, लेकिन चावल से क्या होने वाला है? नहीं, आपने यहाँ के जो कार्पोरेटर है महेश सालवी है हाँ और जी, दूसरे कौन है, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई किसी का फोन लग नहीं रहा है, व्हाट्सएप कोई फोन नहीं लग रहा है, रिसीव नहीं कर रहे। साहब तो क्वारंटाइन में है, वो बीमार है, तो उस वजह से वो उन्होंने जो आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा, कार्पोरेटर जो यहाँ के है किसी का ही फोन नहीं लग रहा, सबका स्विच ऑफ है। और व्हाट्सएप अभी आए वो यहाँ पे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आता देखने के लिए? यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत पानी की बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि पहले तो ट्रैक पार करके जान पे हाथ हथेली पर जान लेके ट्रक ले आते थे पानी जैसे ही पीने के लिए, लेकिन जब से ये भवा फैली तो कुछ मतलब मीडिया वालों का मतलब बोलिए या कुछ ही का ही बोलिए, जब मुसलमान को खास तौर पर बदनाम किया गया है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, पटरी पार वाले पानी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप लोग के यहाँ बीमारी ज्यादा फैल रही है, तो आप लोग मत आइए पानी के लिए। अच्छा, मतलब आपका ऐसा कहना है कि अगर आप लोग जाते हैं वहाँ पर, या ये मुस्लिम इलाके के लोग वहाँ पर जाते हैं, तो कहा जाता है कि पानी मत दीजिए? अच्छा, कोरोना का ज्यादा शिकायत पा रहा है, तो ये लोग एक्टिव मतलब पॉजिटिव ना हो, तो इसके लिए हम लोग को मतलब बोल दिया गया कि आप लोग बेहतर की ना आया कीजिए। हालांकि हम लोग पानी उसी पार से लाते थे, वही लोग का एहसान है तो मेरे पानी पिए, लेकिन अभी व्यक्तिगत तौर पे वो लोग मना कर रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई पानी। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पे वो लोग मना कर रहे हैं, अच्छे से मना कर रहे हैं, तो आपके कारपोरेटर से आपने बात किया इस बारे में? हम लोग एप्लीकेशन दिया है, कारपोरेटर को भी बोला है कि भाई हम लोग परेशान है। और सबसे बड़ा समस्या क्या है, देखो हमारे पास लाइट का पानी का बिल है, भरा हुआ पहुंची है, वो बिल आ रहा है, वो बिल देख रहे हो, हाँ पानी नहीं आ रहा है। अच्छा, पानी का पाइप डाला हुआ है,
तो भी उसमें भी पानी नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखिए हमारे पास है ना, सबका जो है ना बिल है। अच्छा अच्छा मैं तो आपको बता दिया ना हम लोगों की क्या समस्या है, यहाँ पर है ना हुई है। पाइप है और पानी नहीं आ रहा पाइप के अंदर, पानी पाइप के लाइन से जो है ना बहुत सारे जगह जगह पे वाल है, वाल टाइट कर देते हैं आगे पानी नहीं आती। एक समस्या तो ये है, पर हम लोगों को सहूलत थी उस साइड से, पट्टी के उस पार से पानी लाते थे। तो क्या है अभी जो है ना वायरस को लेके प्रॉब्लम ये हुआ कि भाई अब अदर आदमी नहीं आ सकता। अरे उनकी बच्ची का भी एक साल हो गया। हाँ, अब मेरी बच्ची भी इसी पानी के चक्कर में ना एक मरतबा जो है ना आज से 2.5 साल पहले वो पट्टी से बाहर कर रही थी, जब लोकल ने मार दिया। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद मंसूर आलम अंसारी। पानी का जोर से बहुत है। इधर वो बाजू के इसमें जाएगा तो पानी नहीं देते वो लोग। अच्छा, जिस तरह से यहाँ के जिस तरह यहाँ पे मुसलमान भाइयों को पानी नहीं मिलता, उसी तरह महाराष्ट्रियंस को भी नहीं मिलता। वही पूछ रहा हूँ, भास्कर व नगर वालों के साथ सबके साथ सुलूक हो रहा है। उन लोगों का कहने का मतलब है कि जैसे आपके नगर सेवक जो नहीं आप लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा पानी क्यों तुम लोग यहाँ लेने आते? हमारे नगर सेवक किए हमारे लोग के लिए, आप लोग किए तो आप लोग अपने अपने नगर सेवक लोग को बोलो, आमदार को बोलो कि पानी हम लोग को नहीं मिलता, तकलीफ है। अच्छा, ये लोग 10 साल हो गए हम लोग पीछे पड़े हैं, लेकिन अभी तक पानी का व्यवस्था नहीं किया। इलेक्शन कितना है, ठंडा से आके रखा है, चावल मिलता कि नहीं ठंडा से रखा है, उसका कुछ नहीं है, सब ऐसा ही सड़ गया। पानी आएगा, 2 दिन सिर्फ पानी छोड़े, उसके बाद में पानी का कोई नामो निशान नहीं है। ये गंदगी साफ होती है यहाँ की? हम लोग साफ किया था, यहाँ पे बहुत सारा गंदगी था, तो हम सब लोग ने मिलकर यहाँ पे गंदगी साफ किया। तबेले का इधर सब बाहर निकल के रखते हैं, हम लोग कैंपिंग करते हैं फिर भी वो गटर का इधर ही रहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए डालते नहीं, चलिए बस काफी।